वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सब एक्सप्लेन करो प्लीज। अच्छा एक पॉइंट और, लाइक ये जो क्वेश्चंस है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू 12, फाइंड आउट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या फिर ऑर्डर्ड पेयर्स, या फिर डबलेट्स, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, और काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं। अरे सूर्यवंशी एक बार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करोगे, दिस क्वेश्चन? यस सर। हाँ बोलो, इस क्वेश्चन का मीनिंग बताओ पहले, मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का? द प्रोडक्ट ऑफ फोर नंबर्स इज इक्वल टू 7617640। ठीक है, देन वी नीड टू फाइंड एक्स वाई, वी नीड टू फाइंड द फोर नंबर। हाँ बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस फोर नंबर्स सेटिस्फाइंग इनका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू दिस। लाइक एक यस पॉसिबिलिटी ये हो गया 1111 और यहाँ पे 17614, तो ये सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ये भी पॉसिबल है, लाइक 17614 फिर 111, और क्योंकि आप यहाँ पे काउंट कर रहे हो जस्ट पेयर्स यानी ऑर्डर्ड पेयर्स, दीज टू आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट डिफरेंट। सपोज करो क्वेश्चन रहा होता कि अनऑर्डर्ड पेयर्स, तो फिर उसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता है, केसेस बनाओगे ऑल फोर सेम, थ्री सेम वन डिफरेंट, टू सेम टू सेम, ऐसा। ठीक है आगे एक्सप्लेन करो। देन वी राइट द नंबर इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स बेसिकली, सो दिस इज 2³³² 5^(1)^7² नेक्स्ट। एज वी नो दे आर इन दैट the number is in the prime factors, we can write x, y, z in that prime factors. So basically x In will be terms. type of 2 to the power something, 3 to the power something, 5 to the power something, 7 to the power something. ये जो something है ना, ये zero भी possible है, ये Yes, something sir. zero भी possible है बिल्कुल। Similarly y, similarly z और similarly w. So 2 to the power total कितना आ गया अभी? Alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus Alpha 4 is equal to 3. ऐसे ही बीटा, ऐसे ही गामा, सिमिलरली थीटा, एंड 2 के ऊपर टोटल पावर्स, थ्री ओके 3 के ऊपर टोटल पावर्स, देन 5 के ऊपर टोटल पावर्स, वन एंड देन 7 के ऊपर टोटल पावर्स, टू। टू। मैडम तुम नेक्स्ट, तुम एक्सप्लेन करोगे। दिस इज टेन। ओके सो बेसिकली थ्री ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ पीपल 4, क्या फॉर्मूला आता है? एन प्लस थ्री थ्री थ्री, इन केस ऑफ 4 पीपल, इन केस ऑफ 4 पीपल ये फॉर्मूला कैसे आता है? एन प्लस पी माइनस 1 सी एन, यानी एन प्लस थ्री सी एन विच इक्वल्स टू एन प्लस थ्री सी थ्री, या फिर सेम एज दिस क्वेश्चन, लाइक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन x plus y plus z plus w whole power n, total number of terms होते हैं n plus 3 c3, where n is the number of objects, like 6 c3, 5 c3, 4 c3, और यहाँ पे 3 plus 2 यानी कि 5 c3, इनके values calculate करोगे और finally सबका multiplication, ठीक है? अरे किस question में out था बोलो, पहले वो discuss करते हैं, फिर next start करते हैं। सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू ऊपर वाला This ये question? यस सर। x plus y plus z less than greater than equal to 150, find out total number of pair solutions, triplets भी बोल सकते हो, satisfying such that कि x y z है integers, minimum है 0, maximum 60, ठीक है? अभी एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, x y z की वैल्यूज हम लोग फिक्स कर रहे हैं कि एक्चुअल में मूव कहाँ पे कर रहे हैं, तो 4x minimum, y and z should be मैक्सिमम y मैक्सिमम maximum कितना पॉसिबल है 60, z maximum कितना पॉसिबल है 60, 100% x मिनिमम जीरो नहीं होगा, कितना होगा? 30। भाई आप समझने का ट्राई करो, सपोज करो आप इसको मिनिमम जीरो यूज करते हो, तो y plus z greater than equal to 150, जबकि y और z मैक्सिमम कितने हैं? 60। हाँ तो ये मैक्सिमम 120 पॉसिबल है, greater than equal to 150 कभी आ ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है although कि x greater than equal to zero, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, x मिनिमम होगा 30 और मैक्स मैक्सिमम कितना पॉसिबल है 60, ओके तो x प्लस y प्लस z इनका मिनिमम समेशन कितना पॉसिबल है बोलो? 150, और मैक्सिमम समेशन कितना पॉसिबल है? 160, 60, 180, 180,
तो समेशन पॉसिबल है 150, 151, 152, 153, 154, मैक्सिमम कितना समेशन पॉसिबल है? 180। 180। अभी एक तो ये मेथड ये है कि इन सबको कैलकुलेट करो, उसमें भी आप एन प्लस टू सी टू फॉर्मुला यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फॉर्मुला तभी वैलिड है जब कोई कंडीशन ना हो, यानी एक्स को मिनिमम, हर किसी चाइल्ड को मिनिमम 0 टू मैक्सिमम 150 वो सभी मिले, लेकिन नहीं मिल पाएगा। मिनिमम कितना है? 30 और मैक्सिमम 60। या तो कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 150 फाइंड करो इन एक्स टू द पावर 30, 31, 32, 33, 34, 60 अप टू 60 और फिर सर, उधर से फिर 30 कॉमन लेके क्या था बेटा? फिर 150 का फाइंड करोगे, 151 का भी करोगे, 152 का भी करोगे, 153 का भी करोगे, फिर 180 का भी करोगे। काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बेस्ट है ये थॉट यूज करो, एक्स को रिप्लेस करो 60 माइनस। सर 60 क्यों यूज किया उधर? वो यार मैं बोलता हूँ ऐसे कि कोई नंबर लेस देन इक्वल टू 60 है तो तुम यही लिखोगे ना कि वो 60 से कम है। यस यस सर। और कोई नंबर सपोज करो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, देन क्या यूज करोगे? 60 प्लस 51। अभी यहाँ पे मैक्सिमम है 60 यानी 60 से कम, सो x बिलोंग्स टू 60 माइनस t1 या x इक्वल्स टू 60 माइनस t1। t1 मिनिमम कितना पॉसिबल है? 0। मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? मैक्सिमम 31 पॉसिबल है क्या? 31 आप यूज करते हो देन x विल बी 20। नहीं है पॉसिबल, क्योंकि x मिनिमम कितना हो सकता है? जस्ट 30। सो t मैक्सिमम है 30। सिमिलरली y, सिमिलरली z, ये वैल्यूज एज इट इज यहां पे यूज करते हैं अभी। So 60 minus t1, 60 minus t2, 60 minus t3 greater than equal to 150. Transposition, take t1, t2, t3 right side, 150 को left side. अभी ये हो गया t1 plus t2 plus t3 less than equal to 30. Where t1, t2, t3 belongs to 0 to 30. अभी ये question is same as this question. ये question बिल्कुल same. XYZ less than equal to 20, XYZ belongs to whole number, यानी कि 0 से start होता है, maximum 20 तक possible है। मतलब हर किसी child को minimum 0 से maximum 30 तक कितने भी toys मिल सकते हैं। इनके लिए formula होते हैं direct, n plus p minus 1 cn। यहाँ पे था less than equal to 30, एक method तो ये कि is equal to 0 करो, फिर 1 करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो, फिर 30 करो, सारी values को add करो, otherwise हम लोग ये method follow कर लेते हैं। इसमें extra कितना add कर दो यहाँ पे? T4. This T4 is such that, इसका कोई special condition नहीं है, बस ये यहाँ पे आके summation को is equal to 30 कर देता है। Like T1 plus T2 plus T3 less than equal to 30. तो इसमें T1 plus T2 plus T3 0 possible है, 1 possible है, 2 possible है, 3 possible है, maximum कितना possible है? 30. तो जब T4 को 30 use करते हो, तो T1 plus T2 plus T3 कितना आ गया? 0. तो ये किस फुल हो गया? सपोज करो T4 को आप 29 यूज करते हो, तो फिर T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना आ रहा है? 1। दिस किस सपोज करो आप T4 को यूज करते हो 30, तो फिर T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना आएगा? सॉरी T4 को यूज करते हो 0, तो फिर T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना आएगा? 30। वो ये केस आ गया। अभी जैसे क्वेश्चन है ये कि एक्स वाई इज इक्वल टू 12, फाइंड आउट पेयर्स एक्स कॉमा वाई, कितने पेयर्स पॉसिबल है? सिक्स। 1 12, 2 6, 3 4, 4 3, 6 2 और 12 1। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अभी क्वेश्चन है सपोज करो दिस, एक्स वाई इज इक्वल टू 12 एंड जेड इज इक्वल टू 4। अभी एक्स वाई के कितने पेयर्स पॉसिबल हैं? वन क्यों लग रहा है? एक्स इनटू वाई इज इक्वल टू 12 एंड जेड इज इक्वल टू 4। सर 12 वाई इज इक्वल टू 4 नहीं, जेड इज इक्वल टू 4। अभी एक्स वाई के कितने पेयर्स बने? 6। हाँ, तो इससे दिस वैल्यू से इस पे कोई इफेक्ट आ रहा है क्या? No. अभी भी इतने पेयर्स ही बनेंगे। 1 12 कुछ भी लिख दो, z is equal to 4, delta is equal to 3, gamma is equal to 5, x square minus y square नहीं लिखना चाहिए कि वो x y वही है,
लेट से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये सारे इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा गिवन है आपको. नाउ फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेयर्स एक्स एंड वाई, कितने पेयर्स बनेंगे एग्जैक्टली अभी भी? सिक्स. हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ है ही नहीं, सॉरी एक्स और वाई नहीं है, तो इन इस इंफॉर्मेशन से इसको कोई मतलब नहीं है यार, इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है यहाँ पे. तो तुम T4 यहाँ पे कोई भी नंबर पुट करते हो तो इससे T1, T2, T3 पे कोई इफेक्ट आएगा क्या, बोलो? ठीक है, सॉल्यूशंस काउंटिंग सेम ही रहने वाला है. तो ये हम लोग फॉलो कर लेते हैं, इसमें एक्स्ट्रा करते हैं एड वन. अभी फोर पीपल है तो आप थ्री एड करते हो, एन प्लस थ्री सी थ्री. अदरवाइज तुम्हें ये करना है तो ये कर लो, कोई इश्यू नहीं है. T1 plus T2 plus T3 is equal to 1, फिर 2, फिर 3 और लास्ट में 30 plus 0. हाँ, अभी इसका फॉर्मूला होता है n plus 3 C3, सॉरी 3 पीपल है तो n plus 2 32 C2, 31 C2, 30 C2 और यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 2 C2. इन सब का एडिशन. ये है बाइनोमियल सीरीज टाइप 2. टेल सेम, हेड चेंजेस, यहाँ पे सेम हेड और इंक्रीजिंग टेल ऐड करते हैं, ये कैसे? इसके पहले आने वाला है 32 C3 और फाइनली इन दोनों का एडिशन 33 C3. ये आंसर और ये आंसर एग्जैक्ट सेम. ये मेथड फॉलो करना है तो ये कर लो, कोई इशू नहीं है. बाकी बेस्ट ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर हम लोग ऐड कर देते हैं, सच दैट ये समेशन हो गया अभी 20. एक बार इसको सोच के देखना, ये हो जाता है, ये थॉट आ जाता है माइंड, एक बार सोच के देखना इसको. जैसे ये जो थॉट है ना कि T4 ऐड करके इसको इज इक्वल टू 30 कर देते हैं, इससे सॉल्यूशंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो क्लास में एज अ टीचर, लेकिन इसको अपने आप से सोचना पड़ता है बहुत थोड़ा सा. जैसे चॉकलेट्स हैं, काफी सारे ब्रांड्स हैं, तो चॉकलेट्स हालांकि डिफरेंट ही आने वाले हैं, लेकिन तब भी हम उनको सेम नंबर कंसिडर करके उस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो फिट आंसर आता है एग्जैक्ट. ओके, सो लास्ट टाइम पे ये क्वेश्चन भी हो गया था, यहाँ पे आंसर आ रहा था 8000, फिर क्वेश्चन था दिस कि x, y, z, w belongs to integers. Integers can be negative or positive. Four numbers का मल्टीप्लीकेशन है पॉजिटिव, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑल फोर पॉजिटिव, सेकेंड ऑल नेगेटिव, all four negative, and third possibility है two negative, remaining two positive. Okay, तो all four positive, total cases बन रहे थे यहाँ पे 8000. Second case है all four negative, जितने भी four pairs बन रहे हैं आपके, like four solutions. ऐसा हो गया 1, 1, 1 या फिर 1, 2, 3 और remaining x. तो इन्हीं सब पे क्या लगा दूँ negative? तो ये भी exact कितने बनने वाले हैं? 8000. अभी है two negative और टू पॉजिटिव. अभी टू नेगेटिव कौन से हैं वो फिक्स नहीं है, लेट्स से एक्स और वाई नेगेटिव, या फिर ये भी पॉसिबल है कि दिस और दिस नेगेटिव, ये भी पॉसिबल है कि वन और फोर नेगेटिव, ये भी पॉसिबल है टू थ्री नेगेटिव, टू फोर नेगेटिव, या फिर थ्री और फोर नेगेटिव. तो बेसिकली फोर सी टू, ये होता है सिक्स. वन केस के रिगार्डिंग सिक्स केसेस, 8000 के रिगार्डिंग 8000 इंटू सिक्स केसेस, टोटल आंसर 64,000. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो.
सर ऊपर का 301। सो 216 पहले फाइंड कर लो दिस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 216। 216 इज 2 क्यूब इनटू 3 क्यूब करेक्ट है। सो एक्स विल बी टाइप ऑफ 2 टू द पावर अल्फा 1 3 टू द पावर बीटा 1 सिमिलरली वाई विल बी टाइप ऑफ 2 टू द पावर अल्फा 2 3 टू द पावर बीटा 2 जेड विल बी टाइप ऑफ 2 टू द पावर अल्फा 3 3 टू द पावर बीटा 3 बीटा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 3 एंड बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज आल्सो 3 नंबर ऑफ पीपल है 3 2 ऐड करते हैं यानी n प्लस 2 c2 5c2 यानी कि 10 दिस इज आल्सो 10 मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा बोलो 100 ठीक है लेकिन आपको आंसर चाहिए नेगेटिव नेगेटिव्स के लिए क्या पॉसिबिलिटी है 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन All three negative. तो all three positive में है 100 cases. तो all three negative में भी कितने cases बनने वाले हैं? 100. Second exactly. One negative. One negative. यहाँ पे कितने cases बनेंगे बोलो? 300. Three. 300. Either x negative और y negative और z negative. Total कितना आंसर आ गया बोलो? 400. 400. बिल्कुल करेक्ट आंसर है 400. Done. Next concept. Like expression ya number hai this n is equal to x to the power p y to the power q z to the power r and so on where x y z aapne express kiya hai prime numbers mein understood abhi question hai like this अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एक्स टू द पावर पी वाई टू द पावर क्यू जेड टू द पावर आर फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अल्फा कॉमा बीटा इस टाइप के क्वेश्चन सेक्शन सी में है और बहुत क्लासिक क्वेश्चन बनते हैं चीजों के ये तो फिर भी सब थोड़ा इजी है लेकिन और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं चीजों Find out total number of pairs alpha comma beta, where x, y, z are prime numbers like this. जैसे 2, 3 ये prime number है ऐसा. सर alpha और beta को prime numbers के form में लिखो. नहीं नहीं alpha beta तो ऐसा हो गया जैसे x into y. तुम लोग इसमें confused हो रहे हो. एक काम करो इसको ऐसा लिखो. अरे इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है जैसे x y is equal to 216 तो 216 को वी कैन राइट 2 क्यूब और 3 क्यूब तो अभी हम लोग कर रहे थे ना क्वेश्चंस कि x और y पेयर्स फाइंड हां आया वही क्वेश्चन है अभी मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में यूज कर रहा हूं लाइक 2 कॉमा 3 के प्लेस पे क्या यूज किया अल्फा कॉमा बीटा और उनके जो पावर्स हैं ऐसा ये क्वेश्चन है So x will be type of alpha to the power p p p use नहीं करना चाहिए p1 रहा होगा कुछ beta to the power q1 and delta to the power r1 y will be something
अल्फा टू द पावर पी टू, बीटा टू द पावर क्यू टू, और डेल्टा टू द पावर आर टू. पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू पी, पी क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू क्यू, क्यू आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू आर. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस कितने होते हैं? पी प्लस वन. वैसे भी टू पीपल है तो वन ऐड करते हो, पी प्लस वन सी वन, पी प्लस वन यहाँ पे और यहाँ पे आर प्लस वन. तो टोटल पेयर्स कितने पॉसिबल है? P plus one into P plus Q plus one into R plus one. कुछ बहुत स्पेशल कैलकुलेट नहीं किया हम लोगों ने, ये वही है. देखो ये वही है, जैसे x y is equal to 2 1 6, तो पावर से 3 4, इसका आंसर आता है P plus one Q plus one, 4 into 4 आंसर 16. ये थ्री पीपल के केस में वैलिड नहीं होगा क्योंकि टू पीपल के केस में ही P plus one होता है. थ्री पीपल के केस में क्या होता है? N plus two. फोर पीपल के केस में क्या होता है? एन प्लस थ्री सी थ्री. फाइव पीपल के केस में एन प्लस फोर सी फोर. जैसे यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 12, 12 को एक्सप्रेस करोगे पहले इन फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स, 2 स्क्वायर 3 टू द पावर 1. अभी करना क्या होता है? दिस प्लस वन थ्री, दिस प्लस वन टू, आंसर 6. तो उसी को बस अभी जनरलाइज फॉर्म में यूज किया हम लोगों ने. So answer is P plus 1, Q plus 1 and R plus 1. In case of two people, X or Y, X, Y, Z होता तो फिर कैलकुलेट कर लो जो भी हम लोगों ने सीखा है कल के लेक्चर में और अभी तक. अभी क्वेश्चन होता लाइक दिस, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, सॉरी अनऑर्डर्ड पेयर्स. ये कितना आंसर है? जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू 12 के केस में कितने अनऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं? बिल्कुल करेक्ट है. और एक्स वाई इज इक्वल टू 36, 36 के केस में कितने अनऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे थे? 5. करेक्ट है. अपॉन टू करना पड़ेगा. हाँ, लेकिन 36 के केस में नहीं कर सकते ना अपॉन टू. डिपेंड्स ऑन एन सर. एग्जैक्टली. तो क्या एक्सप्रेशन आना चाहिए वो बताओ. इफ एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन एन बाय टू. नहीं, एन बाय टू नहीं होगा. एन बाय टू नहीं सर. जैसे 36 है तो 36 के केस में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. इन 36 इज 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर. P plus 1, Q plus 1. 3 into 3 यानी कि 9. ये रहा होता x, y, z is equal to. तो फिर x will be something 2 to the power alpha 1, 3 to the power beta 1. Alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 is equal to 2. Beta 1 plus beta 2 plus beta 3 is equal to 2. N plus 2 C2 यानी 4 C2, 4 C2. तो अभी 3 people की बात नहीं कर रहे हैं, just x and y. तो 2 plus 1, 3. 2 प्लस 1 3 टोटल 9. ये 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. अभी अनऑर्डर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग. तो 9 है बट यहाँ पे अनऑर्डर्ड पेयर्स कितने आ रहे हैं बोलो? 5. ठीक है. और x y इज इक्वल टू 12, टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स 6 3. ऑर्डर्ड 3 6 एंड अनऑर्डर्ड 3. डन. अब इसको रिलेट कैसे करोगे ये बोलो. N by 2 plus अगर सर पावर्स इवन है तो ordered pairs plus 1 upon 2 इवन डिफरेंट है तो देखो करेक्ट है. मतलब परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या होने वाला है? 9 और 5 को रिलेट करना है आपको. तो 9 upon 2 नहीं होता, 9 plus 1 upon 2. 1 upon 2 भी नहीं होता, ये होता है 9 plus 1 upon 2. Exactly. In case of perfect square. अभी मेरे को ये बताओ परफेक्ट स्क्वायर को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? यहाँ पे जितने भी पावर्स हैं दे मस्ट बी इवन, तभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर आएगा. सपोज करो 5 क्यूब होता है यहाँ पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या बोलो? नो सर, पॉसिबल ही नहीं है.
ठीक है, तो इफ पावर्स आर इवन, अच्छा एक पॉइंट और, सपोज करो ये पावर्स इवन है तो पी प्लस वन, इवन प्लस वन क्या होता है? ऑड. दिस क्यू प्लस वन इज ऑल्सो ऑड. ऑड इनटू ऑड 100%. बेटा ऑड इनटू ऑड, थ्री इनटू ऑड, ऑड ऑड ऑड. ठीक है, और सपोज करो एक नॉर्मल नंबर है तो वहां पे डायरेक्ट अपॉन टू, बस यही पॉइंट है, इसी को वहां पे नोट करने वाले हैं क्योंकि यूज होता है. टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स पी प्लस वन पी प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन अपॉन टू if n is not perfect square, p plus 1 q plus 1 r plus 1 plus 1 upon 2 if n perfect square identify kaise karoge? P, Q, R must be even. Same anywhere. Same नहीं पागल, even, just even. अभी देखो होता क्या ना, even है तो even plus one odd, even plus one odd, even plus one odd, odd into odd into odd, तो odd upon two, ये कुछ आता है क्या perfect number? No. तो यहाँ पे आपको क्या plus one करना होता है, so that odd plus one even upon two. तुम direct upon two करते हो ना, fit ही नहीं होगा form में, कभी fit नहीं होगा. ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, सपोज करो n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर मतलब 100%, वहां पे एक पावर क्या होना चाहिए? ऑड. और ऑड प्लस 1 क्या होता है? इवन. तो ये अपने आप इजीली 2 से डिविजिबल होगा, उसमें एक्स्ट्रा प्लस 1 या माइनस 1 करने का कोई रिक्वायरमेंट होता ही नहीं कभी. ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन आता है ना, इसको वर्डिंग्स में लिखते हैं लाइक दिस. Number of ways to express a number n into two factors. Number of ways to express a number n, n is like this. Basically, n को express किया है आपने prime numbers में into two factors. यानी कि just एक number को express करना है into two factors. अभी यहाँ पे 1 into 12 लिखो या फिर 12 into 1, both are same. क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि find out the values of x and y. क्योंकि x 1 और y 12 या फिर x 12 और y 1 ये different है. अभी यहां से x और y को completely remove किया हम लोगों ने, जस्ट इतना बोलना है कि 12 को आपको express करना है in terms of two factors. So 1 into 12 या 12 into 1 exactly same. So basically background में ये unordered pairs के लिए बोल रहा है. Okay. So formula is this, जो just अभी note किया था, p plus 1 q plus 1 r plus 1, basically जो powers हैं उनमें plus 1. अच्छा एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अल्फा बीटा डेल्टा से कोई इफेक्ट आ रहा है क्या? बोलो. लाइक एक एग्जांपल है दिस, n इज इक्वल टू 2 क्यूब 3 टू द पावर 5 7 टू द पावर 2. ये n1 है, सेकंड n2 है दिस 19 क्यूब 23 टू द पावर 5 और 29 ले लेते हैं स्क्वायर. नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस एन वन इंटू टू फैक्टर्स, क्या आंसर आएगा बोलो? 4 into 6 टू 3 अपॉन 3 टू, डिस्को इंटू टू फैक्टर्स 4 into 6 इंटू 3 अपॉन 2. बोथ आंसर एग्जैक्ट. तो काफी स्ट्रेंज बात है कि इसके अंदर जो नंबर्स है ना, इनसे कोई इफेक्ट ही नहीं आता.
जस्ट पावर्स मैटर करती है. अंडरस्टूड? सो पी प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन अपॉन टू एंड पी प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन अपॉन टू इन केस ऑफ एन परफेक्ट स्क्वायर यानी पी क्यू आर मस्ट बी एन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. At least one of P or Q or R must be or definitely. Next point. Again, n is equal to alpha to the power p, beta to the power q, delta to the power r, alpha, beta, delta, prime numbers. Number of ways to express n into two co-prime factors. को प्राइम क्या होता है? नंबर्स जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए. अच्छा, वन डिफॉल्ट होता है, वन सब में कॉमन होता है. लाइक एग्जांपल है दिस. तो आपको एक्सप्रेस करना है 12 को इनटू टू फैक्टर्स एंड को प्राइम फैक्टर्स. अच्छा, एक पॉइंट और. वन इज को प्राइम विद एवरी अदर नेचुरल नंबर. Like 1, 2, definitely co-prime. 1, 3, definitely co-prime. 1, 4, definitely co-prime. एक पॉइंट और, co-prime में prime numbers होने compulsory नहीं होते हैं. Like 12 और क्या जाएगा बोलो? 49. 12 prime number होता है क्या? No sir. 49? No sir. But 12 and 49 definitely co-prime. Co-prime. Second term होता है twin prime. Twin prime यानी कि prime numbers which having difference 2. Prime numbers having difference 2. Like 5 and 7. 3 and 5. तो यहाँ पे prime number होना compulsory है. Co-prime में prime numbers compulsory नहीं होते हैं. अच्छा, एक point और. Co-prime को relative prime भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Relative. हाँ. ये होता है twin prime. तो अभी क्वेश्चन है कोप्राइम. सर वन मेथड ही आएगा. कैलकुलेट करके देख लो, पता चल जाएगा. कैलकुलेट करके देख लो. नंबर कम होता है ना तो कैलकुलेट ही कर लेते हैं हम लोग, टाइम नहीं लगता उसमें. लाइक 12 को वी कैन राइट 1 12, 2 6, 3 4. फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है, एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड नहीं करना है, यानी अनऑर्डर्ड पेयर्स. सो 2 6 को प्राइम, यस और नो? नो. 3 4? यस. यस. 1 12? यस. सो आंसर इज 2. 1 12 और 3 4. लाइक क्वेश्चन है दिस 36. One into 36 and 9 into 4. 136, 218, 3 और फिर यहाँ पे 12, 4, 9, 6 और 6.
136 ओके है, 218 नॉट ओके, 3412 नॉट ओके, 66 नॉट ओके, 994 ओके. सो आंसर इज 2. करेक्ट. इसका ऑब्जर्वेशन से जो फॉर्मूला आता है ना, वो ये होता है, 2 टू द पावर n माइनस 1. यार ये नहीं है, ध्यान रखना ना, ये नहीं है. दिस इज 2 टू द पावर n माइनस 1, मतलब माइनस 1 पावर में है. वेयर n इज टोटल डिफरेंट प्राइम नंबर्स इन n. लाइक यहां पे 12, 12 के अंदर प्राइम नंबर्स कौन से अवेलेबल है बोलो? 2 and 3. सो n इज इक्वल टू 2. आंसर इज 2 टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2. 36 प्राइम नंबर्स कौन से अवेलेबल है? 2, 3. अगेन 2 टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2. एनी डाउट? Like question hai this. Find number of ways to express n into 2 co-prime factors. Answer. 16. 2 to the power prime numbers 2, 3, 5, 11 or 19 powers matter nahi karte hain. 5, 2 to the power 5 minus 1, yani 16. 16 methods hain. अच्छा क्वेश्चन रहा होता दिस की फाइंड आउट नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस एन इनटू टू फैक्टर्स, जस्ट टू फैक्टर्स, देन आंसर 4 इनटू 5 इनटू 8 इनटू 2002 इनटू 1996 अपॉन 2. क्वेश्चन रहा होता कि एक्स इनटू वाई इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, देन आंसर 4 5 8 2002 1996, जस्ट इतना ही. क्लियर? क्वेश्चन रहा होता दिस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पेयर्स एक्स वाई जेड. तो एक्स विल बी टाइप ऑफ, वाई विल बी टाइप ऑफ, जेड विल बी टाइप ऑफ, फिर एन प्लस टू सी टू, एन प्लस टू सी टू, एन प्लस टू सी टू, फिर इन सबका मल्टीपल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. ये फ्रेश कंसेप्ट है और ये कंप्लीटली फैक्टर से ही रिलेटेड है. इसको हम लोग बोलते हैं दिस नंबर ऑफ डिवाइजर्स. लाइक एग्जांपल 12, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने पॉसिबल है बोलो? 3. डिवाइजर होता है एक नंबर जो इसको डिवाइड कर देगा कंप्लीटली. कितने नंबर्स पॉसिबल हैं सर? 5. 5. लाइक 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है और 12. 12. 12. 6.
क्वेश्चन रहा होता दिस 36 नंबर ऑफ डिवाइजर्स 9 1 2 3 4 5 not possible 6 7 8 9 10 11 12 फिर क्या आएगा बोलो 18 36 and then 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेक्ट है ना क्वेश्चन रहा होता दिस 216 नंबर ऑफ डिवाइजर्स 1 2 3 4 5 not possible then 6 6 7 8 possible like 8 yes हाँ possible 9 भी possible है okay 10 11 12 yes, 13 14 15 16 possible like 16 Not possible. No, sir. 17, 18 possible again. Yes, sir. Yes, sir. 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24 possible again. Definitely possible. देखो 24 इनके multiplication से बन जाएगा. समझ रहे हो ना? 25, 26, 27. इसके next क्या आने वाला है? 27. 27 9 into 3 से बनता है डेफिनेटली आएगा नेक्स्ट 32 32 के बाद 36 48 36 into 6 36 भी पॉसिबल है 48 नेक्स्ट वन 54 54 then 72 54 बन रहा है ना यार 4 हाँ बन रहा है ओके 72 ये भी करेक्ट है नेक्स्ट 81 81 तो नहीं बनना चाहिए मुझे लगता है बन रहा है 81 नहीं नहीं 81 नहीं बन रहा 96 96 भी नहीं बनना चाहिए क्या बोल रहे बेटे 64 96 भी नहीं बन रहा है कहाँ बन रहा है 96 64 आएगा 64 देख लेते हैं डिवाइड करता है तो ओके यस सर आएगा 64 नहीं 64 कहाँ आ रहा है नहीं आ रहा डिवाइड नहीं करता 64 108 एंड देन 216 टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 मिस्टेक है इसमें कुछ 18 नहीं बनना चाहिए कुछ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है थर्टी टू से डिवाइड होता है क्या 216 थ्री और थ्री नहीं नहीं हो पाएगा ये रॉन्ग एक्चुअली अंडरस्टूड इसमें एक और एक्स्ट्रा भी आ गया एक और एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें 48 देख लेते हैं 48 बाय डाउट होता है नहीं होता 48 भी नहीं आएगा फिफ्टी फोर भी चेक कर लेते हैं 54 आई थिंक 4 टाइम्स हो गए हैं ओके 72 3 टाइम्स ये करेक्ट है सो आंसर इज 16 ठीक है करेक्ट है तो इस केस में आंसर आ रहा है 6 इस केस में आंसर आ रहा है 9 इस केस में आंसर आ रहा है 16 अब तुम जैसे इतना ऑब्जर्व करो कि ये आंसर किस क्वेश्चन के आंसर के सेम है ये जो आंसर्स आ रहे हैं बार बार कंटिन्यूस जैसे x plus y plus z is equal to 20. Number of solutions where x comma y comma z belongs to whole numbers.
एक सेकंड बेटा, वेयर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो ये क्वेश्चन एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर 20 नंबर ऑफ टर्म्स, दिस क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, मतलब दोनों क्वेश्चन अलग है, उनके आंसर सेम है, मेथड सेम है, कंसेप्ट सेम है। वैसे यहाँ पे x into y का ordered pair, x into y के जो ordered pairs है ना वही है actually सारे, like x into y is equal to 12, 12 होता है 2, okay भाई, 2 square into 3 to the power 1, नहीं यार ordered pairs आ रहे हैं क्या? हाँ ordered pairs आ रहे हैं, yes sir, 3 into 2, तो ordered pairs थे p plus 1 into Q plus 1, Q plus 1, 3 into 2, 6, 36 होता है क्या? 2 square into 3 square, 3 into 3, 9, correct है? 2, 1, 6, 2 cube into 3 cube, 2 cube into 3 cube, 4 into 4, 16, correct है? So basically ये जो question है number of divisors का, this is same as total number of pairs, ordered pairs, and iska formula hota hai this p plus 1 into q plus 1 into r plus 1, r plus 1, baad mein aap unordered calculate karte ho ya fir ye statement likhte ho ki total number of ways to express this into two factors, wahan pe upon two karna hota hai, अपॉन टू, और इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर प्लस वन फिर अपॉन टू, तो बस बन गया फॉर्मूला, सेम ही है। सो एन इज इक्वल टू दिस, अल्फा टू द पावर पी, बीटा टू द पावर क्यू, डेल्टा टू द पावर आर, वेयर अल्फा बीटा और डेल्टा एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, क्या आंसर आएगा बोलो? प्लस वन क्यू प्लस वन इनटू आर प्लस वन क्यू प्लस वन इनटू आर प्लस आर प्लस वन, सेम एस ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अभी यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या चलता है ना, ये स्टॉप क्यों बना पा रहा है, अभी यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या होता है ना, ये थोड़ा समझ में आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है n is equal to 12, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल भी है, समझने का ट्राई करना। 12 है 4 into 3, 2 square into 3 to the power 1, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आते हैं? 6। अब इन 6 का फॉर्मेशन, जैसे हम लोग यहाँ पे काफी कंफ्यूज हो रहे थे कि यार ये किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है हम लोगों को, तो इनका जो फॉर्मेशन होता है ना वो बैकग्राउंड में कुछ ऐसे होता है, लाइक 2 स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं लाइक दिस, 2 0 2 1 और 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1 इज 3 0 प्लस 3 टू द पावर 1, ये 8 ही है, सॉरी 8 नहीं चाहिए आपको, इसको आप इस तरीके से लिखते हो लाइक 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 और 2 स्क्वायर, यहां पे 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1। अभी ये नंबर्स क्या होते हैं ना, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होते हैं लाइक दिस, क्या फॉर्म हो गया बोलो? वन, देन दिस, अभी क्या फॉर्म हो गया? देन दिस, अभी क्या फॉर्म हो गया? फोर, फोर, देन दिस, अभी क्या फॉर्म हो रहा है? थ्री, अभी क्या फॉर्म हो रहा है? सिक्स, अभी क्या फॉर्म हो रहा है? ट्वेल्व, करेक्ट, ये वही लिखे हुए 1 2 4 3 6 12, 1 2 4 3 6 12, लाइक 2 1 6 के बना लेते हैं, सो 2 1 6 इज 2 क्यूब इन 2 3 क्यूब। जैसे इवन नंबर्स का फॉर्मेशन नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई विद 2 करो तो इवन नंबर्स के क्रिएशन हो जाता है, इवन नंबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेचर में क्या होता है ना, प्राइम नंबर्स ही ऐसे थे
जो सेल्फ डेवलप्ड थे, जिनको किसी और नंबर से मिलके नहीं बना सकते आप, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सब और लोगों से बनते हैं। 2 क्यूब, दिस इज 20, 21, 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 स्क्वायर एंड 3 क्यूब। अच्छा, इस ब्रैकेट में 4 नंबर्स और इस ब्रैकेट में लेट्स से 3 नंबर्स, मल्टीप्लाई करने के बाद कितने नंबर्स आएंगे? 1, 2, 3, 4, ऐसे ही 4, ऐसे ही 4, टोटल कितने नंबर्स आने वाले हैं बोलो? 12. दिस ब्रैकेट 4 नंबर्स, दिस ब्रैकेट 4 नंबर्स, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कितने नंबर्स आने वाले हैं? 16. तो वही आंसर है उसका, 16, p plus 1 q plus 1। अभी कंफ्यूजन नहीं होता है ना, ये आप ये थॉट फॉलो करते हो तो इसे जल्दी से बन जाते हैं सारे डिवाइडर्स। लाइक पहले ये मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट 1, देन 3, देन 9 एंड देन 27. अभी ये फॉर्म कर लेते हैं, सब सेम ही है, बस एक्स्ट्रा कितना मल्टीप्लाई हो रहा है अभी? 2, 6, 18 और 50, 4. फिर ये फॉर्म कर लो, अभी दिस को मल्टीप्लाई करोगे विथ 4, लास्ट वन दिस को मल्टीप्लाई करोगे विद 8, 27, 8 जा 26, टोटल कितना आंसर आ रहा है बोलो? 16. ठीक है, ये तो सब एक्सप्लेन करने के लिए बताया, बाकी इतना सब नहीं करना होता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है डिवाइजर्स का। इसको नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, एक पॉइंट आता है भी लाइक दिस, समेशन ऑफ ऑल डिवाइजर्स, क्या आंसर आना चाहिए? समेशन ऑफ ऑल डिवाइजर्स यानी इन सबका समेशन, इनको ऐड नहीं करना यार आपका ना, ऐड करने नहीं बैठना, ये टोटल 16 डिवाइजर्स हैं, इनका समेशन चाहिए, ऐड नहीं करना इनको, डायरेक्ट कैसे करोगे बोलो? सर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन सब का समेशन दिस इनटू दिस ही होगा ना, so basically summation of all divisors is this, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 square, 2 cube into 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 square and 3 cube, ये कितना आ रहा है बोलो? 8 plus 4, 12 plus 2, 14 plus 1, 15 into this, 27 plus 9, 36 or 4, final answer, ऐड करते हो तो भी सेम है। जैसे ये क्वेश्चन है, x plus y into p plus q plus r, और एक दिस एक्सप्रेशन, xp plus yp, xq yq, xr और yr, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ एडिशन है
और ये एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, बट दोनों एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम। सो समेशन फाइंड करने के लिए जस्ट इतना ही करते हैं, इसको ओपन करते हैं लाइक दिस, इसको ओपन करते हैं लाइक दिस, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। हाँ सपोज करो यहाँ पे और कई सारे टर्म्स हैं, तो उसको फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से सिंप्लीफाई कर लो। एनी डाउट? चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, क्या आंसर आएगा बोलो। P plus 1, Q plus 1, R plus 1 into S plus 1. 6, 5, 30 into 4. Second question है this. Find summation of all divisors. अगेन यहाँ पे फर्स्ट टर्म वन, कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन, दिस ए है वन, कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन अपॉन, एंड ये तो सिंपल जस्ट कितना है 8, सो दिस इज 15 अपॉन 1 121 43 माइनस 1 यानी कि 242 अपॉन 2 5 क्यू 125 माइनस 31 दिस इज द फाइनल आंसर। ये मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, नहीं करते मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, फाइंड नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। काफी सिंपल कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसे, कि केवल वो बताओ जो इवन डिवाइजर्स हैं। बस टू के मल्टीपल्स। देखो डिवाइजर्स फॉर्म होते हैं यहां से, आंसर नहीं आएगा बेटे। डिवाइजर्स या फैक्टर्स, इन सब ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करते हो ना तो फॉर्म होते हैं। लाइक इस ब्रैकेट में कितने नंबर्स हैं? 4। इस ब्रैकेट में कितने नंबर्स हैं? 15 आएगा सर। 5, एक सेकंड। इस ब्रैकेट में नंबर्स हैं 3। इस ब्रैकेट में कितने नंबर्स हैं? 2। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन टोटल कितने नंबर्स मिलने वाले हैं? 120। वो 120 सारे डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे, वो फैक्टर्स हैं या फिर डिवाइजर्स हैं। अभी आपको चाहिए केवल इवन डिवाइजर्स। इवन नंबर क्रिएशन में
या फॉर्मेशन में रेस्पॉन्सिबल कौन है? मतलब टू का यूज तो मस्ट है, टू का यूज तो मस्ट है, टू का यूज तो डेफिनेटली करना ही है, सो वी कैन नॉट यूज दिस. ये समझ आ रहा है भाई? इनकी वजह से नंबर इवन बनते हैं क्या? बोलो. इवन नंबर में जस्ट टू का रोल होता है, थ्री फाइव सेवन का रोल नहीं होता. हाँ फोर का रोल होता है, ओके okay. लेकिन फोर भी तो टू स्क्वायर है ना. हर्षदा एक्सप्लेन करोगे 30 आंसर? यस सर. हाँ बोलो. तो इवन नंबर्स के लिए टू इनटू वो थ्री फाइव और सेवन चाहिए ना, तो अगर हम टू टू द पावर वन इन सब मतलब थ्री फाइव सेवन से करेंगे तो टोटल 10 नंबर्स होंगे, तो वैसे थ्री नंबर्स के लिए 30. 10 नंबर्स नहीं होंगे, ज्यादा होंगे. देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, वी कैन नॉट यूज दिस. ये क्लियर हुआ आपको? देखो ये नंबर, अच्छा ये बताओ इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लिकेशन करने पे कितने नंबर्स आने वाले हैं? 5 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया? ये 30. तो एक अभी बड़ा ब्रैकेट है, इसमें कितने नंबर्स हैं? 30. और इस ब्रैकेट में कितने नंबर्स हैं? 4. मल्टीप्लीकेशन के बाद 120 नंबर्स. हम लोग सब इंटरेस्टेड नहीं है, वी जस्ट नीड इवन डिवाइजर्स. तो आप ये मल्टीप्लाई करते हो, सारे नंबर्स क्या फॉर्म होने वाले हैं, इवन या ऑड? इवन. इवन. ये मल्टीप्लाई करो, सारे नंबर्स क्या फॉर्म होने वाले हैं? इवन. इवन. ये मल्टीप्लाई करो, अभी भी सारे नंबर्स क्या फॉर्म होने वाले हैं? इवन. ये मल्टीप्लाई करो, अभी नंबर्स क्या फॉर्म होने वाले हैं? ऑड. क्यों? क्योंकि टू आया ही नहीं वहां पे. जो नंबर्स को इवन बनाना था ना जिसको, वो आया ही नहीं वहां पे, उसका यूज ही नहीं किया आपने. तो इससे जो नंबर्स बनने वाले ना, जस्ट इससे, वो सारे ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि सब में टू का एलिमेंट है. टू का एलिमेंट आने पे ही नंबर इवन बनता है. फोर का भी बनता है, लेकिन आप प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर रहे हो चीजों को. फोर सिक्स तो यूज ही नहीं कर सकते यहाँ पे. सो बेसिकली इवन नंबर्स के लिए इसको रिमूव करोगे, टू टू द पावर जीरो. जैसे ये क्वेश्चन होता, लाइक वाई प्लस जेड प्लस एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट्स से ए प्लस बी प्लस एक्स डी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, थ्री अल्फा माइनस का फोर बीटा प्लस का फाइव गामा. और भी लिख देते हैं, थ्री एम माइनस का फोर एन प्लस का एट टी. ओके, जो नंबर्स एक्स से डिविजिबल है ना, एक्स से डिविजिबल नंबर्स, उनको लेट्स से मैं इवन नंबर्स बोलता हूँ एक सेकंड के लिए. तो इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इवन नंबर्स कितने आने वाले हैं? यानी नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ एक्स, वो कितने आने वाले हैं? मल्टीपल ऑफ एक्स के लिए एक्स रेस्पॉन्सिबल है, सो वी कैन नॉट यूज दिस एंड दिस. यहां से कितने नंबर्स आ रहे हैं अभी? थ्री. यहां से कितने नंबर्स आएंगे बोलो? फोर. यहां से थ्री और यहां से फाइनल आंसर थ्री इंटू फोर इंटू थ्री इंटू थ्री. ये क्वेश्चन है.
अभी यहाँ पे क्वेश्चन था फाइंड आउट नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स. इवन डिवाइजर्स यानी मल्टीपल ऑफ टू, तो मल्टीपल ऑफ टू के लिए टू रिक्वायर्ड. सो वी कैन नॉट यूज टू टू द पावर जीरो. थ्री इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू टू. आंसर सो आउट ऑफ 120 90 डिवाइजर्स विल बी इवन. जैसे ये क्वेश्चन था देखो 216 वाला, तो इसमें आप इस टू टू द पावर जीरो को रिमूव करो. इस ब्रैकेट में कितने नंबर्स हैं अभी? थ्री. और इस ब्रैकेट में कितने नंबर्स हैं? 12. हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली हाफ इवन होते हैं. अरे ऐसा नहीं होता ना कि एग्जैक्टली हाफ इवन होते हैं. इन 60 नंबर्स में से 100% 12 इवन नंबर्स रहे होंगे. देखो इसको छोड़ के ना, इस सेगमेंट को छोड़ के बाकी सारे इवन ही है, क्योंकि इस सेगमेंट को आपने किसे कंफर्म किसे क्रिएट किया था? टू टू द पावर जीरो. बाकी इस सेगमेंट को छोड़ के बाकी सारे इवन नंबर्स हैं, तो 12 इवन नंबर्स हैं टोटल. नाउ क्वेश्चन है दिस, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स. काफी ज्यादा सिंपल और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस रिमूव. अभी ये समेशन कितना आ रहा है बोलो? 14. दिस समेशन आ रहा था 3 टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1. दिस समेशन आ रहा था 5 क्यू माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1. और दिस समेशन कितना आ रहा है बोलो? 8. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स. फोर ऑड नंबर्स वी कैन नॉट यूज टू पावर समथिंग, टू टू द पावर समथिंग. ऐसा नहीं होता कि ऑड नंबर्स के लिए थ्री आना चाहिए ना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. टू नहीं आना चाहिए, ये कंपलसरी है. सर 30. तो अभी क्या रिमूव करोगे बोलो? टू टू द पावर जीरो चलता है, तो 1 × 5 × 3 × 2. आंसर 30. वैसे भी टोटल में से माइनस करते हो इवन, तो आंसर आएगा आपका आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स. दिस रिमूव, दिस रिमूव, दिस रिमूव. ये नंबर कितना है बोलो? जस्ट 3 टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 5 क्यू माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, एंड दिस नंबर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइजर्स या फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय 12. ये क्वेश्चन है. मतलब नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 12. सर ओनली टू यूज दैट टू टर्म्स एंड थ्री टर्म्स.
12 is actually 2 square into 3 to the power 1. तो मिनिमम 2 का कितना पावर रिक्वायर्ड है? 2. मिनिमम मिनिमम नॉट एग्जैक्टली मिनिमम 3 का पावर मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है? लाइक दिस नंबर 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 टू द पावर 4 7 टू द पावर 1 अपॉन 12 कंप्लीटली डिविजिबल और नॉट डिविजिबल? बेटा डिविजिबिलिटी इसी को बोलते हैं ना कि आपका डिनोमिनेटर कंप्लीट फिनिश हो जाना चाहिए. तो ये है कंप्लीटली डिविजिबल. अच्छा क्वेश्चन रहा होता लाइक दिस. कंप्लीटली डिविजिबल और नॉट? नॉट. नो नो डिविजिबल डेफिनेटली क्योंकि टू का प्रॉब्लम आएगा. अब प्राइम नंबर्स में क्या इसीलिए एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि 2 का 2 को 3 कंपनसेट नहीं कर सकता. 3 को 2 कंपनसेट नहीं कर सकता. 2 3 5 7 ये आपस में कंपनसेट नहीं कर सकते एक दूसरे को कि यार 2 नहीं है वहां पे तो 3 में से एक 2 निकल के आ गया. ऐसे नहीं होता है. 4 होता 6 होता 8 होता तो फिर हो सकता है 2 मिल जाएगा. क्या आंसर आएगा फिर इस क्वेश्चन का? 2 × 4 × 3 × 2 मिनिमम पावर ऑफ 2 कितना रिक्वायर्ड है बोलो? 2 एंड मिनिमम पावर ऑफ 3 कितना रिक्वायर्ड है? 1. सो वी कैन नॉट यूज दिस एंड दिस. और यहां से आप दिस यूज नहीं कर सकते. अभी इस ब्रैकेट में कितने नंबर्स हैं? 2. दिस ब्रैकेट में कितने नंबर्स हैं बोलो? 4. दिस ब्रैकेट में नंबर्स हैं 3. दिस ब्रैकेट में नंबर्स हैं 2. आंसर 48. करेक्ट. क्वेश्चन ये रहा था कि इनका समेशन फाइंड करो, बस इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर दो, हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 120. ये ट्राई करो. टू टू द पावर 3 आना चाहिए. 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1. सो बेसिकली मिनिमम 2 का पावर कितना रिक्वायर्ड है? सर 16 आंसर. 2 क्यूब 16 आएगा सर. तो वी कैन नॉट यूज दिस दिस एंड दिस. 3 मिनिमम रिक्वायर्ड है 1, 5 मिनिमम रिक्वायर्ड है 1, 7 का कोई मतलब नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, इश्यू नहीं है. सो यहाँ पे ब्रैकेट में 1 नंबर, यहाँ पे ब्रैकेट में 4 नंबर्स, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 नंबर्स, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 नंबर्स. आंसर 16. डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, 3 and 7. क्वेश्चन में एंड है नॉट और. या 4 as well as 3 as well as 7 ऐसा.
आईई डिविजिबल बाई कितना बोलो, 4 × 3 × 7 जैसे कोई नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है, 2 और 5 से यानी डेफिनेटली वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10। तो 4 मिनिमम पावर कितना रिक्वायर्ड है, 2 स्क्वायर। थ्री मिनिमम पावर रिक्वायर्ड है जस्ट 1 और 7 का मिनिमम पावर रिक्वायर्ड है 1। तो ये हो गया अभी 2 × 4 × 3 × 1 आंसर 24। करेक्ट। क्वेश्चन राउट ऑफ दिस, Divisors divisible by 12 and 18 and 24, ये क्वेश्चन है। And 10. So 18 is 0. 18 and 24 and 10, i.e. divisible by 18 into 24 into 10. ऐसे पागलों जैसी बात मत करो, इतना बच्चे नहीं है, 11th complete होने वाले हैं, multiply नहीं करते हैं। 3 square into 2 cube into 5. एक question है like this, कि number divisible by 12 and 24, तो क्या वो number 12 into 24 से divide होना चाहिए क्या? सर 360। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 10, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 20 नॉट 40। एलसीएम कैलकुलेट करते हैं भाई, 20 से डिविजिबल जितने भी नंबर्स हैं 100% दे ऑल आर डिविजिबल बाय 4 और 10। तो एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया था हम लोगों ने? कॉमन मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं आता उसमें। वो कॉमन वन है ना उनमें, एक्चुअली ये को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स का एलसीएम इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। बाकी तुम देख लो आप कैलकुलेट करके, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 4 और 3 के टेबल में फर्स्ट कॉमन नंबर कौन सा है? 12 और 7 के टेबल में फर्स्ट कॉमन नंबर कौन सा है? 84। तो because of co-prime numbers आपने इनको multiply किया था। ये co-prime numbers नहीं है, तो यहाँ पे LCM calculate करोगे इनका। 360 आता। Answer 12। LCM calculate करना आता है हम लोगों को ना? 2 9 12 5, फिर 2 9 6 5, फिर 2 9 3 5, 3 3 1 5, 3 1 1 5 और फिर 5, यानी 2 cube 3 square and 5 to the power 1। बस एक सेकंड देख रहे हैं बेटा आंसर है ना। So minimum 2 required है 3, minimum 3 required है 2, minimum 5 required है 1, 7 का कोई use नहीं है, मतलब use in the sense कोई effect नहीं कर रहा है, वो तो रहेगा वहाँ पे। In this bracket only one number, in this bracket 3 numbers, in this bracket 2 numbers, in this bracket 2 numbers, answer
करेक्ट है यार, ऐसा नहीं कि पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, एक ही क्वेश्चन आता है कोई भी, लाइक क्वेश्चन है दिस, ऐसा नहीं कोई बहुत स्पेशल कंसेप्ट है, और एंड ये सीक्वेंस एंड सीरीज से स्टार्ट हो गया था, 1 to 100 टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5, यानी कि 10 से डिविजिबल, 2 और 5, आइदर 2 और 5, तो एक बार आप 2 वाले कैलकुलेट करते हो, 5 वाले कैलकुलेट करते हो और 2 and 5 वाले माइनस कर देते हो. क्वेश्चन है दिस, नंबर डिविजिबल बाय चलो इस तरीके से करते हैं, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 18 एंड 12. कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? सर 84 आएगा. 84 सर. टोटल माइनस डिविजिबल बाय 18 and 12. टोटल कितने थे? 120. 18 एंड 12 यानी 36 होता है कितना? 2 square into 3. Square. यानी मिनिमम 2 रिक्वायर्ड है स्क्वायर, मिनिमम 3 रिक्वायर्ड है स्क्वायर. सो 2 into 3 into 3 into 2, 120 माइनस 36. आंसर इज 84. तो ये बस कंसेप्ट हो गया पूरा डिवाइडर्स का. एक इसमें लास्ट क्वेश्चन ये भी बना सकते हो. Divisors, neither divisible by 12 nor divisible by 18. अच्छा ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना? यहाँ पे तो 18 और 12 जैसे आपने वो रिमूव किए थे, जैसे इसके अंदर 36 रिमूव हुआ होगा, 72 रिमूव हुआ, 36 का ट्रिपल 108 रिमूव हुआ, लेकिन अभी इसके अंदर आपको 12 भी रिमूव करना है, 24 भी रिमूव करना है, 36 72 है वो भी रिमूव करना है, 54 है वो भी रिमूव करना है. जैसे 54 12 से तो नहीं होता लेकिन 18 से होता है, तो ये भी रिमूव करना है. लाइक ये क्वेश्चन है ए और बी वाला, और ये क्वेश्चन था ए एंड, तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा होमवर्क में है, करके आना इसको, नेक्स्ट टर्म पे इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तब तक ये कंसेप्ट ये थोड़ा सा सोच के आना, ये नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करने वाले हम लोग. लाइक ये पॉइंट है 0,0, this point is 2,2. आपको 0,0 से मूव करना है 2,2 पर along x axis या y axis. मूव कर सकते हो जस्ट 1 unit. कितने मेथड्स पॉसिबल है?
0,02 मूव करना है पॉइंट 2,2 along positive x axis move करोगे या फिर along positive y move करोगे, just one unit, जैसे ये possible है। जैसे कितने methods लग रहे हैं तुम्हें? वन यूनिट का मतलब ये होता है जैसे ये है 0, 1, 2, 3 तो तुम एक साथ 3 मूव नहीं करोगे, मतलब कर सकते हो, मिनिमम 1 करना है आपको। ऐसे हाफ मूव करना पॉसिबल, ये कहने का मतलब ये कि जो तुम्हें लाइंस दिख रहे हैं ना इनके अलॉन्ग मूव करना है जस्ट पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव वाई। टू केवल टू मेथड्स है बस यहाँ से जाने के, पहले पॉजिटिव वाई भी कर सकते हो। सर वो कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन जरा बताओ ना, वो क्वेश्चन फिर से बताओ। कौन सा होमवर्क वाला क्वेश्चन? डायगोनल, डायगोनल वाला करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, पहले ये बताओ इसका आंसर। अभी बताना है क्या? हाँ अभी बता दो यार, छोटा सा ही है तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लूंगा। सो 4 एक मेथड ये पॉसिबल है, सेकंड दिस पॉसिबल है, थर्ड दिस पॉसिबल है, फोर्थ ये पॉसिबल है, फाइव ये पॉसिबल है, सिक्स ये पॉसिबल है। कितने मेथड्स हो गए टोटल? सिक्स। सिक्स एक बार करके देखना इसको अपने आप से। अभी एक ये होमवर्क है, इसको सोच के आना थोड़ा। अभी तो क्या है 0,0 से जस्ट 2,2 पे गए थे, इजीली काउंट ऊपर से भी आ सकते हैं ना सर, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते ना, बोल रहा हूं मैं कि पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई ही मूव करना है आपको, वैसे तो इनफिनिटी मेथड हो जाएंगे। ऐसे घूमते रहो, ऊपर चले गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए, ऐसे 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 और फिर ऊपर चले गए, हो गया। तो नेगेटिव एक्सिस पे नहीं आना है। अभी तो पॉइंट था जस्ट 0,0 एंड 2,2। सपोज करो 2,2 के प्लेस पे होता 5,4, आपको जस्ट 1 यूनिट मूव करना है मिनिमम। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था दिस। अरे क्या क्वेश्चन था, एक बार बोलो होमवर्क वाला। सर हाउ मेनी ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्मड विद ओनली डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन यूजिंग ओनली डायगोनल्स। देखो सपोज करो हेक्सागन है, एक ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए कितने वर्टेक्स चाहिए? 3। तो 6C3। बट प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है आपने ये वर्टेक्स यूज किया, दिस वन और दिस वन, तो इनसे भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल रिक्वायर्ड ट्रायंगल में नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये साइड यूज हो रहा है। क्वेश्चन में बोला था ओनली डायगोनल्स, सर वो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन से ट्रायंगल्स होंगे ना। सुन एक मिनट सुनो, तो 6C3 ये टोटल ट्राइंगल्स हैं, इनमें वो केस माइनस कर दो जहां पे आपने साइड्स को यूज किया है। अच्छा ऐसा पॉसिबल है कि मैं 3 साइड्स यूज कर लूं ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए? नो सर, 2 और 1 ही आएगा। एग्जैक्टली, तो फर्स्ट केस 2 साइड्स यूज्ड, सेकंड केस एग्जैक्टली 1 साइड यूज्ड। बिल्कुल करेक्ट है। अभी 2 साइड यूज करके कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं बोलो? ऐसा पॉसिबल है कि ये साइड यूज कर लो और एक ये साइड यूज कर लो, ये पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। कंसेक्यूटिव साइड से यूज करोगे, आइदर दिस 1 और दिस 2 और दिस 3 4 5 और 6। तो यहां पे 2 साइड्स यूज हुए हैं, इन दोनों को यूज करने का मीनिंग ये है कि लाइक ये आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये तो हो गया 6। सेकंड एग्जैक्टली 1 साइड यूज्ड। अच्छा एक मिनट, 6 साइड वाले में 6 मेथड्स आ रहे हैं, 5 साइड वाले में कितने मेथड्स आएंगे बोलो? 1 2 3 4 और 5।
यानी एन साइड वाले में एन और यहाँ पे एन सी थ्री। अब इस पे आते हैं वन साइड यूज, यानी एग्जैक्टली वन साइड यूज किया है आपने, लेट से ये साइड यूज किया, इस साइड को यूज करके कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं? टू। दिस वन इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे टू साइड्स यूज हो गए, और दिस वन। तो बेसिकली सपोज करो ये एक साइड है, तो आप ये वर्टेक्स यूज नहीं करोगे और ये वर्टेक्स यूज नहीं करोगे। ये वर्टेक्स यूज नहीं करोगे और दिस वर्टेक्स यूज नहीं करोगे। तो इस साइड के लिए वर्टेक्स रिमेनिंग कितने? टू। टू ऐसे, और इस टाइप से कितने साइड्स हैं यहाँ पे? जैसे six. एक साइड ऐसे सिक्स साइड्स हैं, एन साइडेड के अंदर एन साइड होंगे। अब किसी एक पर्टिकुलर साइड की बात करते हैं, तो ये एन साइडेड है, तो इसके टू वर्टेक्स रिमूव, टू कंसेक्यूटिव वर्टेक्स रिमूव, वर्टेक्स रिमेनिंग कितने हैं? एन साइडेड वाले में एन माइनस, जैसे सिक्स वाले में सिक्स माइनस फोर यानी कि टू। तो फाइनल आंसर आएगा दिस। सोचना इसको अपने आप से एक बार, कर लो ना, सर टफ नहीं। सर वो वर्टेसेस के इंटरेक्शन से एक वर्टेस होगा, वो नहीं यूज होगा क्या? फिर से बोलो, वर्टेसेस के इंटरेक्शन से ऊपर देखो ना सर, वो बीच वाला ये, हाँ नहीं ये काउंट नहीं करना है आपको, वर्टेक्स को यूज करना है, वर्टेक्स को यूज करके बताना है। फिर वो इजी, वो मैं हम वे साइड ढूंढ रहे थे। नहीं वैसा नहीं, वर्टेक्स को यूज करके बताना। ओके चलो जितना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बाकी और कोई डाउट है तो आ जाओ सेंटर पे, करते हैं डिस्कस। चलो बेटे, ठीक है ना, थैंक यू सर।